अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप। अपने पिछले वीडियो में हमने इंडस्ट्रियलाइजेशन यानी सनअतकारी के बारे में बात की। हमने इंडस्ट्रियलाइजेशन की डेफिनेशन को डिस्कस किया, सनअती इंकलाब का जिक्र किया, सनअतों की इकसाम जानी और इस शोबे में दुनिया के टॉप ममालिक के बारे में बात की। आज हम इस वीडियो के अंदर इस शोबे के मज़ीद बारे में बात करेंगे जिसका मरकज़ पाकिस्तान होगा। सो लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक। वक्त गुजरने के साथ साथ पाकिस्तान में इंडस्ट्रियल सेक्टर बहुत बढ़ रहा है। 1947 में पूरे पाकिस्तान में सिर्फ 37 इंडस्ट्रियल यूनिट्स थे जिनमें 26,000 के करीब मुलाजमीन काम करते थे। उस ज़माने में इंडस्ट्री सेक्टर का पाकिस्तान की जीडीपी पर सिर्फ 7% का कंट्रोल था, यानी सिर्फ 7% इनकम पाकिस्तान इंडस्ट्रियल सेक्टर से हासिल करता था। आज 2021 की बात की जाए तो तकरीबन ये हिस्सा बढ़कर 64% तक हो गया है। लाखों मुलाजमीन को आज इंडस्ट्रियल सेक्टर से नौकरी मिलती है। अगर बात की जाए फॉरेन एक्सचेंज की तो पाकिस्तान इस सिलसिले में बहुत लकी है, बहुत ज़रा डॉलर्स में फॉरेन एक्सचेंज मिलता है। पाकिस्तान का सबसे बड़ा हिस्सा इंडस्ट्रियल सेक्टर में जिस फील्ड में है वो है टेक्सटाइल इंडस्ट्री। टेक्सटाइल इंडस्ट्री बेसिकली कॉटन, सिल्क एंड वुल प्रोडक्ट्स का मिक्सचर होती है। पाकिस्तान की टोटल एक्सपोर्ट्स में टेक्सटाइल इंडस्ट्री का बहुत बड़ा हिस्सा है। आलमोस्ट 65% पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स टेक्सटाइल इंडस्ट्री से ही होती है। पूरे पाकिस्तान में काम करने वाली लेबर जो फैक्ट्रीज में काम करती हैं उनमें 40% अकेले टेक्सटाइल इंडस्ट्री में ही काम कर रही हैं। अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो पूरे पाकिस्तान में 464 टेक्सटाइल मिल्स मौजूद हैं जिसमें 316 पंजाब एंड 116 सिंध में मौजूद हैं। अगर पाकिस्तान की फास्टेस्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री की बात की जाए तो इसमें नंबर वन पर आती है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की इंडस्ट्री यानी आईटी की इंडस्ट्री। इस इंडस्ट्री की इस वक्त पाकिस्तान में वर्थ तकरीबन 3.5 बिलियन डॉलर्स की है और जीडीपी में इसका वो हिस्सा 1% के करीब है। लेकिन ये इंडस्ट्री पाकिस्तान की तेज़ी से तरक्की कर रही है। अगले कुछ साल में मुमकिन हमें दिखाई दे कि ये इंडस्ट्री और भी ज़्यादा बड़े नंबर्स के साथ सामने आए। इंडस्ट्रीज़ ही क्या, किसी भी कारोबार या काम के क़याम और चलाने के लिए कैपिटल यानी सरमाया की ज़रूरत होती है। अगर ये हो तो खाम माल यानी रॉ मटेरियल, मुलाजमीन यानी लेबर, मार्केटिंग, प्रोडक्शन वगैरह जैसी सब चीज़ों को हासिल भी किया जा सकता है, बढ़ाया भी जा सकता है और कंट्रोल भी किया जा सकता है। कैपिटल की तरह एनर्जी भी इंडस्ट्रियल सेक्टर के लिए आज बहुत ज़रूरी हो गई है। इस चीज़ में बेसिकली गैस और बिजली वगैरह जैसी चीज़ें शामिल होती हैं। दूसरे और तीसरे सनअती इंकलाब के बाद से सनअतों में एनर्जी यानी इलेक्ट्रिसिटी और बिजली गैस की बहुत अहमियत है। आज तरक्याती ममालिक में शायद ही ऐसी कोई प्रोडक्ट हो जो एनर्जी से बनाई जाती हो। सनअतों में बिजली के इस्तेमाल से पैदावार में आज बहुत ज़्यादा इजाफा हो चुका है। अगर किसी जगह पर कोई इंडस्ट्रियल यूनिट लगाया जाए और वहाँ ना तो कोई सड़क हो, ना कोई रेल और ना कोई बंदरगाह यानी सी पोर्ट जैसी मेन मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ना हो तो खाम माल फैक्ट्री आएगा कैसे, प्रोडक्ट की सप्लाई कैसे होगी, वर्कर्स कैसे आया जाया करेंगे, ये सब चीज़ें बहुत क्रिटिकल हो जाएंगी। इसलिए कहा जाता है कि ट्रांसपोर्टेशन भी इंडस्ट्रियल सेक्टर की बेसिक नीड्स में से एक है। कारोबार किसी भी किस्म का हो, अगर वो ऐसी जगह कायम किया जाए जहाँ इसकी मार्केट ही ना हो तो कारोबार तरक्की नहीं कर सकता। मिसाल के तौर पर अगर पाकिस्तान में हेलीकॉप्टर्स यानी चॉपर्स की मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ कायम की जाएँ तो आप क्या सोचते हैं, क्या यहाँ इसकी इतनी डिमांड है, क्या यहाँ ये बिज़नेस इतना ज़्यादा ग्रो कर सकता है, फैसला आपका। किसी भी किस्म की तामीराती सनत के लिए उसके खाम माल का होना बहुत ज़रूरी है। अगर शुगर कैन ही ना हो तो शुगर कैसे बनेगी, ज़रा सोच कर देखें। इस बात में ख्याल एक बात का और रखना पड़ता है कि खाम माल की मौजूदगी तो ज़रूरी है लेकिन इसके साथ साथ इसका करीब होना भी ज़रूरी है, क्योंकि अगर खाम माल को किसी दूर दराज इलाके से अपनी इंडस्ट्री में या फैक्ट्री में मंगवाया जाएगा तो उससे लागत में बहुत ज़्यादा इजाफा हो सकता है। चाहे कितनी भी दुनिया क्यों ना तरक्की कर ले,
चाहे कितनी ही मशीनें और टेक्नोलॉजी क्यों ना इस्तेमाल कर ली जाए, लेकिन एक अच्छे और काबिल मजदूर और अमले की हमेशा ज़रूरत होती है। बेशक आज एक मशीन 100 आदमियों के बराबर काम कर लेती है, लेकिन उस एक मशीन को भी चलाने के लिए एक काबिल और होनहार वर्कर की ज़रूरत होती है जो उसे लुक आफ्टर कर सके। तो इस फील्ड में इंडस्ट्रियलाइजेशन में वर्कर्स की इम्पोर्टेंस आज भी मौजूद है और बेसिक नीड्स में से एक है। हम जो इतनी देर से इंडस्ट्रियलाइजेशन, फैक्ट्रीज और इनके बारे में बात कर रहे हैं, तो अब जानने का वक्त आ गया है कि हम ऐसा कर क्यों रहे हैं, इस शोबे की इतनी अहमियत क्यों है, क्यों दुनिया की बहुत बड़ी बड़ी कंट्रीज इस शोबे पर, इस काम पर इतना फोकस करती हैं। तो पहला पॉइंट तो इस सिलसिले में ये है कि इससे आमदनी में इजाफा होता है। फैक्ट्रीज़ में, इंडस्ट्रीज़ में सामान बनाकर अगर बेचा जाए दुनिया भर में, तो इससे आपको कीमती डॉलर्स मिलेंगे, जिससे आपकी इनकम में इजाफा होगा, आपकी आमदनी बढ़ेगी और आपको मुनाफा होगा। और मुनाफे के पीछे तो पूरी दुनिया ही भागती नजर आती है। इंडस्ट्रियलाइजेशन यानी सरकारी ही वो वाहिद शोबा है जिसमें दुनिया में सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयज़ यानी वर्कर्स काम कर रहे हैं। अगर आप ज़्यादा फैक्ट्रीज लगाएंगे तो आपको ज़्यादा प्रोडक्ट्स बनानी पड़ेंगी, और अगर आप ज़्यादा प्रोडक्ट्स बनाएंगे तो उसके लिए आपको ज़्यादा मुलाजमीन को नौकरियों पर रखना पड़ेगा। आज भी दुनिया भर में लाखों लोग इस सिलसिले में काम कर रहे हैं। अकेले पाकिस्तान की अगर बात करें तो 7 से 8 लाख फैक्ट्री वर्कर्स इस वक्त पूरे पाकिस्तान में मौजूद हैं। एक बड़ा जरिया है इनकम कमाने का और लोगों को नौकरियाँ देने का। दुनिया भर में जिस मुल्क में भी फैक्ट्रीज़ या इंडस्ट्रीज़ लगाई जाती हैं, इसकी आमदनी ज़्यादा होती है, और वो इस काबिल हो जाता है कि अपने लोगों को बेस्ट फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर सके, स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, मेडिकल फैसिलिटीज़ एंड सो ऑन। तो अगर आप फैक्ट्री लगाएंगे तो आपके कंट्री में भी ऐसी ही फैसिलिटीज़ लोगों को आराम से मिल जाएगी। गरीब कंट्रीज़ ये काम नहीं कर सकते क्योंकि उनके पास इतने पैसे नहीं होते, इतने रिसोर्सेज नहीं होते कि अपने मुल्क के लोगों को बेस्ट फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर सकें। दुनिया में ऐसे बहुत से ममालिक मौजूद हैं जिनके पास ज़राए तो मौजूद हैं, रिसोर्सेज तो हैं और रॉ मटेरियल भी है, लेकिन इंडस्ट्रीज़ का सेटअप नहीं है। तो इस सूरत में होता क्या है कि वो अपने रिसोर्सेज को यूज़ करके सामान को बनाकर सेल आउट नहीं कर सकते, प्रॉफिट नहीं कमा सकते। मजबूर होकर उन्हें अपना कीमती रिसोर्सेज, ज़राए, खाम माल, ये सब चीज़ें दूसरे ममालिक को, जिनके पास इंडस्ट्रीज़ हैं, अमीर ममालिक, बड़े कंट्रीज़, उनको सेल करना पड़ता है, जो उनसे ये माल सस्ता खरीद कर आगे महंगा बेचते हैं और इससे ठीक ठाक हाई क्वालिटी में प्रॉफिट हासिल करते हैं। दुनिया में मौजूद हर मुल्क कुछ ना कुछ ख़रीदता और बेचता तो है ही। जो कंट्रीज दुनिया में ज़्यादा ख़रीदते और कम बेचते हैं, उन्हें लॉस हो रहा होता है और उनका बैलेंस ऑफ पेमेंट नेगेटिव में होता है, लेकिन जो कंट्रीज दुनिया में ज़्यादा बेचते और कम ख़रीदते हैं, उनका बैलेंस ऑफ पेमेंट पॉजिटिव में होता है। पाकिस्तान का बैलेंस ऑफ पेमेंट अनफॉर्चुनेटली नेगेटिव में है, और बहुत ज़्यादा नेगेटिव में है। अगर पाकिस्तान और पाकिस्तान जैसे दूसरे कंट्रीज़ अपना बैलेंस ऑफ पेमेंट नेगेटिव से पॉजिटिव में करना चाहते हैं, नुकसान को फ़ायदे में बदलना चाहते हैं, तो उसका बेस्ट सोर्स है इंडस्ट्रियलाइजेशन, सनअतकारी। अगर पाकिस्तान ज़्यादा सामान बनाकर उन्हें ज़्यादा बेचेगा तो पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा कीमती डॉलर्स मिलेंगे, पाकिस्तान में कारोबार बढ़ेगा, मार्केट में ग्रोथ आएगी, और इस वजह से नए इंडस्ट्रियल यूनिट्स लगाने पड़ेंगे, इसके लिए लोगों को और भी ज़्यादा नौकरियां देनी पड़ेंगी। तो एक तरह से ये सब कुछ पाकिस्तान के हक में बेहतर से बेहतर होता रहेगा। अगर पाकिस्तान में इंडस्ट्रियल सेक्टर की नेगेटिव ग्रोथ या कम तरक्की की बात की जाए तो उसकी वजूहात मंदरजा ज़ेल हैं। नंबर वन, पाकिस्तान में और या किसी भी दुनिया में कोई भी काम करना हो तो उसके लिए पैसों की ज़रूरत होती है। पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली फाइनेंशियल क्राइसिस कुछ ज़्यादा ही है, हर काम के लिए पैसा चाहिए होता है, और इंडस्ट्रीज़ के लिए ही गवर्नमेंट के पास पैसे नहीं है, तो आम आदमी भी इस काम में पैसे नहीं लगा पाता। लैक ऑफ फाइनेंस की वजह से ना ही अच्छा रॉ मटेरियल मिल पाता है, ना लेबर को तनख्वाहें दी जा सकती हैं, और ना ही एनर्जी के पॉइंट्स को हासिल किया जा सकता है। पाकिस्तान में मजदूर तो हैं लेकिन कारीगर नहीं, एजुकेटेड लोग नहीं हैं जो टेक्नोलॉजी को जानते हों, इन्हें सिखाना पड़ता है, जिसकी वजह से काम की रफ्तार और मैार में वक्त भी लगता है और देर भी होती है। 1970 से दुनिया में कंप्यूटर का इस्तेमाल इंडस्ट्रीज़ में शुरू हो चुका है, लेकिन हम अभी भी मैनुअल तरीके से काम कर रहे हैं। टेक्नोलॉजी महंगी भी है पाकिस्तान में और इसके वर्कर्स भी नहीं हैं, तो इस वजह से अगर यूज़ भी कर लें तो कॉस्ट में बहुत ज़्यादा इजाफा हो जाता है और वो अनअफोर्डेबल है।
वक्त वक्त की बात है, गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ बदलती रहती हैं। पाकिस्तान में कभी टैक्स रेट बढ़ा दिया जाता है इंडस्ट्रीज़ पर, तो कभी इंसेंटिव दे दिए जाते हैं। इस तरह के अनयूजुअल एंड अनप्रोफेशनल वे की वजह से इंडस्ट्रियलाइजेशन की ग्रोथ पर असर पड़ता है। ये जो पॉइंट है ये पाकिस्तान में तो इतना फॉलो नहीं होता, लेकिन दुनिया भर में इसका काफ़ी इम्पैक्ट पड़ता है। वैसे तो इंडस्ट्रीज़ का मौसम से कोई डायरेक्टली ताल्लुक नहीं है, लेकिन इनडायरेक्टली बहुत है। ना इंडस्ट्रीज़ ऐसे इलाके में लगानी चाहिए जहाँ पे ना ज़्यादा ठंड हो ना ज़्यादा गर्मी, क्योंकि ना ज़्यादा ठंड वर्कर्स बर्दाश्त कर सकेंगे और ना ज़्यादा गर्मी, ऐसी कंडीशन में वो खुद को ही देखते रहेंगे, उनका काम फोकस जो है वो मौसम पर रहेगा, काम पर नहीं। तो नाज़रीन, इंडस्ट्रियलाइजेशन पर हमारी इस दूसरे वीडियो का यहीं पर इख्तिताम होता है। अपने दोनों वीडियोस में हमने कोशिश की कि इंडस्ट्रियलाइजेशन की बेसिक से लेकर स्टार्टिंग से लेकर आज तक की सारी बातों को जो अहम है नाज़रीन की जानने के लिए ज़रूरी है उन्हें डिस्कस किया जा सके और इस सिलसिले में बेहतर से बेहतर मालूम अपने नाज़रीन के सामने शेयर की जा सके। अगर इस सिलसिले में कोई भी पॉइंट आप डिस्कस करना चाहें तो आप चैट बॉक्स यूज़ कर सकते हैं। तब तक के लिए, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।